हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नीलू होमस्केप्स में। आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जो एक तरह का हाउस प्लांट है और ज़्यादातर सबका फेवरेट हाउस प्लांट है, वो है सिंगोनियम प्लांट। सिंगोनियम प्लांट बहुत ही कॉमन हाउस प्लांट है, ज़्यादातर लोग इनको लगाते हैं क्योंकि ईजी टू ग्रो और ईजी टू मेनटेन है, और साथ ही साथ इनमें बहुत सी वेराइटीज़ आती हैं। पर इनके संग इनमें एक प्रॉब्लम आती है, वो है इनकी लीव्स का कर्ल हो जाना। ज़्यादातर लोगों की यही सवाल होता है कि उनकी लीव्स में कर्ल क्यों हो रहा है और इस प्रॉब्लम को वो कैसे ठीक करें, कैसे इस प्लांट को हेल्दी बनाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ इसी से रिलेटेड, और शायद आपको मेरी कुछ बातें काम आ जाए इस प्लांट को हेल्दी बनाने में, इसकी लीव्स को सुंदर बनाने में। आपका प्लांट देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा अगर आप इन बातों को ध्यान में रखें। सबसे पहला जो कारण है सिंगोनियम में लीव्स कर्लिंग का, वो है लो ह्यूमिडिटी से रिलेटेड। हम सभी को पता है कि सारे ट्रॉपिकल प्लांट्स की तरह सिंगोनियम भी हाई ह्यूमिड वातावरण में पसंद करता है, यानी कि उनके आसपास नमी का वातावरण होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनमें बहुत सारा पानी डाल दें, लेकिन बहुत सारा पानी डालने से उल्टा आपका प्लांट ख़राब होने लगेगा। हाई ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि आप या तो अपने प्लांट को कहीं वाटर बॉडी के आसपास रखें या फिर उसे ऐसी जगह रखें जहां पे पेबल्स हो, और वो ट्रे जो पेबल्स पानी से भरा हो उसके ऊपर आप अपने प्लांटर को रख सकते हैं, या फिर आप इसे मिस्ट करें कम से कम रोज़ एक बार, गर्मियों में डेली करें और सर्दियों में अल्टरनेटिव डे इसको मिस्ट करते रहें। अगर इसी तरह से आप इस पर मिस्टिंग करते रहेंगे, एक तो इसकी लीव्स बहुत ही फ्रेश हो जाएंगी, इसका जो कलर है बहुत उभर कर आएगा क्योंकि इसे ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। तो अगर आप मिस्टिंग करते रहेंगे तो हेल्दी रहेगा प्लांट, और इसकी कर्ल जो आती है लीव्स में वो भी धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होने लग जाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है न्यूट्रिएंट्स की कमी का होना। स्टडीज़ में पाया गया है कि सिंगोनियम को 19 तरह के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, और हम अक्सर कई बार काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई एनपीके जैसा कोई केमिकल फर्टिलाइज़र डालकर सोचते हैं कि हमने तो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया है, पर ऐसा नहीं होता। आपके जब अपने सिंगोनियम को जब मिट्टी तैयार करनी है तो उसमें ज़रूर हर 6 महीने में आपको इनको एक चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाउडर की फीड देनी चाहिए। इससे आपके प्लांट हेल्दी बने रहते हैं और उनकी लीव्स की कर्लिंग की समस्या भी नहीं आती है। तो ज़रूर ध्यान रखें, एक चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें डालना है हर 6 महीने में। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि टेम्परेचर के बढ़ने से भी इनकी लीव्स कर्ल होने लगती हैं। सिंगोनियम एक ऐसा प्लांट है जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में पाया जाता है, और वहाँ पर टेम्परेचर साल भर एक जैसा रहता है, यानी कि टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं होता है। जबकि हमारे इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता रहता है, और जिससे ये प्लांट यूज्ड टू नहीं होता है। अपने सिंगोनियम की गर्मियों में आपको हमेशा ऐसी जगह रखना है जहाँ पर उनको बहुत तीखी सनलाइट ना मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ सनलाइट भी इनके शेप को, इनकी खूबसूरती को, इनकी लीव्स की चमक को बिगाड़ देती है। इसका मतलब कलर जो ख़राब कर देती है। और सर्दियों में भी आपको यह हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि आपको इनको ऐसी जगह में रख दें जहाँ इनकी प्रॉपर लाइट ही ना मिले या मिल पा रही हो। पानी का जो साइकिल होता है वो सर्दियों में अक्सर इरेगुलर हो जाता है, क्योंकि हमको यह लगता है कि सर्दियों में तो पानी की हमें ज़्यादा डालना नहीं है, और ये एक परमानेंट प्लांट है तो इसमें हम पानी की कमी करने लगते हैं सर्दियों में, तो हम वाटरिंग का जो क्वांटिटी भी है वो भी हम रिड्यूस कर देते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना है कि वाटरिंग की क्वांटिटी तो आपने रिड्यूस करनी ही है, पर वाटरिंग की टाइमिंग पर ध्यान ज़रूर देना है। आपको अपने सिंगोनियम को अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में पानी नहीं डालना है, खासकर सर्दियों में। और सारे अपने जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं सर्दियों में, उनको जब आप आफ्टरनून में ही अच्छी धूप निकले तभी उसमें वाटरिंग करें। हो सके तो इनको
फ्रॉस्ट से ज़रूर बचाएं, क्योंकि फ्रॉस्ट जो होता है वो भी सिंगोनियम के लिए ख़राब होता है, वो इनकी लीव्स को ख़राब करता रहता है धीरे धीरे, और इसकी लीव्स में कर्ल आने शुरू हो जाती हैं। तो सिंगोनियम के कर्ल होने के कारण भी एक ये है कि इसकी फ्रॉस्ट से ज़्यादातर इसकी लीव्स भी कर्ल हो जाती हैं। अगला कारण है लैक ऑफ लाइट। अगर आपका सिंगोनियम ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ उसको प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही है, तो भी आपके सिंगोनियम में उतनी खूबसूरती नहीं आएगी जितनी कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, कि हम क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि यह लो लाइट प्लांट है, लेकिन सिंगोनियम लो लाइट प्लांट नहीं है। आपको इसको साउथ डायरेक्शन में भी बहुत सारे पेड़ों के बीच में, पेड़ों की छाँव में, या फिर बालकनी में ऐसी एरिया में रख सकते हैं जहाँ काफ़ी सारे पौधे हों और उसमें लाइट जो है फिल्टर होकर आती रहे। इसीलिए आप समझ लीजिए कि इसका मतलब यह है कि इस प्लांट को धूप से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 2 बजे से 4 बजे तक की जो धूप है वो इनके लिए ज़रूर अगर सीधी पड़ रही है तो ख़राब है। इसके अलावा इनकी सनलाइट ठीक ठाक तादाद में चाहिए होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर आप इनको सनलाइट यहाँ सही से ना प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी इनकी लीव्स में कर्ल होने लगती हैं। कि आप इनको नमी से भरे वातावरण में रखें और एकदम से धूप से दूर भी ना रखें, क्योंकि यह प्लांट जो है जनरली जंगलों में नीचे की तरफ इनकी ग्रोथ होती है, और सिंगोनियम का जो प्लांट है इसको अगर जगह मौसम के हिसाब से ना बदलें तो सर्दियों में भी इसकी लीव्स में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें ये बात ज़रूर ध्यान में रखना है कि हम सिंगोनियम के प्लांट को मौसम के हिसाब से इसकी जगह को रिप्लेस करते रहें। एक कारण यह भी हो सकता है कि कंटेनर का जो साइज़ है वो छोटा होना। सिंगोनियम को नॉर्मली हम छोटे कंटेनर्स में लगाते हैं या फिर हम इनकी पानी में लगाते हैं, और फिर हमारे कंटेनर का साइज़ छोटा होता है, रूट बाउंड हो जाता है, तो पर्टिकुलर साइज़ के बाद सिंगोनियम अपनी खूबसूरती को खोने लगते हैं। अगर आप अपने सिंगोनियम को बड़ा करना चाहते हैं और तो इसे मॉस्टिक पर लगाएं। वैसे भी सिंगोनियम की सारी वैरायटी बड़ा करने के लिए अच्छी नहीं होती है, कुछ वैरायटीज़ होती हैं जो एक छोटे साइज़ में ही अच्छे लगते हैं, कुछ वैरायटीज़ और भी होती हैं जो अर्मिल ग्रीन कलर का जो ट्रेडिशनल प्लांट है वो खूबसूरत लगता है मॉस्टिक पर चढ़ाने के लिए। सिंगोनियम प्लांट के लीव्स में चमक लाने के लिए आप इसमें अपने किचन से निकले चावल का पानी या दाल का पानी भी डाल सकते हैं, जिससे इसकी लीव्स बहुत ही ग्रीन रहती हैं, फ्रेश रहती हैं, और फर्मेंट करके डालें तो ज़्यादा बेटर है। उसको नॉर्मल पानी में मिक्स कर लें और इस पर स्प्रे करें, इस पर वाटरिंग करें तो बहुत अच्छी रहेंगी, इसकी लीव्स हेल्दी रहेंगी और इस पर कर्ल्स भी नहीं आएंगे। तो मेरी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई सिंगोनियम प्लांट से रिलेटेड, जिससे इसके लीव्स को हम कर्ल होने से बचा सकते हैं। अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो हमारा प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और इसकी लीव्स में बहुत अच्छी चमक भी आनी शुरू हो जाएगी। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि खास करके हमें इस प्लांट में पानी का गैप ज़्यादा नहीं रखना है, हमें इसकी सॉइल को मॉइस्ट बना के रखना है और इसको सनलाइट भी प्रोवाइड करते रहना है हमें बीच बीच में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और आप मेरे को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, मैं आपकी कमेंट्स का वेट करूँगी। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, फुल वॉच करें, और जो न्यू है मेरे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।